हरे कृष्णा। तो आप सभी का आज के व्लॉग में स्वागत है। तो देखिए, हमारे विश्वजीत प्रभु जो है, हमने बोला था कि वो आएंगे, तो आज है संडे और संडे के दिन विश्वजीत प्रभु जी कितने महीनों के बाद आए हैं। देखो, देख ही नहीं रहे, शर्मा ही रहे। और देखिए गौरव प्रभु कितने खुश है कि विश्वजीत प्रभु जो है संडे को यहाँ आए हैं करके। विश्वजीत को कहाँ भेजने लगे आज आप, कितने जल्दी सुबह बुलाया? इको विलेज बाड़ा भेज रहे हैं और वहाँ पे संघ को उद्धार करने जा रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ पे क्या करने वाले? संकीर्तन और बाकी सब दर्शन करके सब भक्तों के साथ कीर्तन करेंगे, प्रसाद लेंगे। अच्छा, सभी को आनंद प्रदान करने जा रहे हैं। वाह वाह। विश्वजीत, आप क्या बोलना चाहते हो, आज क्या क्या करोने वाले? हाँ, कीर्तन हो रहा, अभी बस तो आने दो पहले, बस आए जब तो जाएंगे धाम, बस नहीं आ रहे तो जैसे जाए धाम। विश्वजीत कैसे खतरनाक खतरनाक जोक रहे थे, है ना प्रभु जी? तो जो है आज विश्वजीत बड़ा एंजॉय करने वाला, कि क्या संडे है, संडे है तो थोड़ा फंडे करने वाला है वाड़ा में जाके। अरे वो हमारे भक्तगण जो तुलसी महारानी की एवरीडे परिक्रमा करते हैं, तो आज आज हमारे अभिषेक प्रभु आए हैं, बाल चैतन्य प्रभु आए, और ये प्रभु जी का नाम मुझे पता नहीं है, ये प्रभु जी। और देखिए हमारे सिद्धार्थ प्रभु और गोपाल प्रभु उधर जो है परिक्रमा खत्म करके जो है ऐसे आराम कर रहे हैं। देखिए सिद्धार्थ प्रभु एकदम आनंद में है और गोपाल प्रभु सोचने में, क्या क्या सोच रहे हो आप? देखो खुश हो गए, जैसे माँ मंत्र बोला इन्होंने, चेहरे पे देखो एकदम अलग सी हंसी आ गई इनके। सब लोग संडे के दिन ऐसे फन फन करते हैं, तो हम थोड़ा इस तरह डिवोशनल तरीके से फन कर रहे हैं, और वो भी सुबह सुबह, है ना? कैसे लग रहा है आप लोगों को? आनंद 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 आ रहा है ना? देखो सब लोग जो है एकदम अभी उठेंगे 10 बजे 12 बजे संडे है, तो पर सारे जो डिवोटी है वो सुबह सुबह उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, फिर चैंटिंग करते हैं और बहुत सारा जो है एंजॉय करते हैं, है ना? देखो गोपाल प्रभु का कैसे स्माइल हो गया अभी चैंटिंग कर रहे हैं, तो सोच रहे थे थोड़े टाइम पहले। चलो और भी कुछ करेंगे, अभी हम भगवान के दर्शन लेंगे और उसके बाद फिर स्पेशल दर्शन लेके और भी क्या चीजें होती तो फिर मैं आपको बताऊंगा, है ना? आप सब भी मंगला आरती नहीं तो श्रृंगार आरती तो भी आओ। कहाँ पे आना है? जपा में तो आइए। अच्छा ठीक है, जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं और जो आ सकते तो घर पे प्रयास कीजिए जप करने का, हरे कृष्णा महामंत्र। कलयुग में भगवान के नाम में ही सारी शक्तियाँ भगवान ने डाल रखी है, तो आप सभी से निवेदन है भगवान का नाम जप कीजिए और इस आनंद को अनुभव कीजिए। हरे बोल। तो देखो जो प्रभु दास थे थोड़े सोचने में थे, तो उन्होंने वो अपना एक्सपीरियंस बताया कि जो है हरे कृष्ण महामंत्र से क्या लाभ मिलता है। तो जो आप सभी को इस लाभ का फायदा उठाना है, जीवन में खुशियाँ लाना है और ऐसे सोचते सोचते रहने से, उदास रहने से खुश रहना है, तो प्लीज़ चांद हरे कृष्ण महामंत्र। और आप जो लोग भी मीरा रोड में है, भाईंदर में है या आस पास दहीसर में है, तो सब लोग यहाँ पे मीरा रोड आइए और आने के बाद जो है इस तरह का हमारे साथ आनंद लीजिए। तो चलिए अभी हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं स्पेशली। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। एकदम ब्लू ब्लू बहुत सुंदर लग रहे हैं। श्री श्री गौरनिताय, श्री श्री राधा गिरधारी ललिता विशाखा की जय। आज के बहुत सुंदर दर्शन है, तो राधा गिरधर आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय जय जय। अभी जाते जगन्नाथ जी के पास। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माए सुदर्शन की जय। वाह, जय जगन्नाथ स्वामी की जय। Radha Giri Dhari, Radha Giri.
उसके बाद जो है भगवान का स्पेशल हम चरणामृत पियेंगे और फिर जो है चरणामृत पीने के बाद जो है प्रभुपाद जी को पुष्प अर्पण करेंगे। आज जो है मैं वेदांशु का कैरेक्टर प्ले करने का वाला हूँ, तो वेदांशु अभी घर पे है और मैं अभी मंदिर में। पिताश्री आपने मुझे मंदिर नहीं लाया। देखो वेदांशु को आप देखोगे तो बाप रे इतनी नटखट है वेदांशु, जो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा नटखट है और वो नटखट के ही पास। तो आज मैं बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि आज संडे है तो संडे के दिन जैसे नटखट नटखट व्यक्ति होने चाहिए ना, पर वो आज आ ही नहीं है, वो काफिल है, तो इसलिए मैं उनको याद करके वो थोड़ा एक्ट कर रहा था। तो अभी जो है चरणामृत किया है, अभी जो है भगवान के दर्शन किए हैं, तो प्रभुपाद जी को चलो प्रभुपाद जी को फूल ऑफर करके फिर कर जाते हैं। से जो है मेरा जो है शिविर कटा, बहुत अच्छा लगा। तो जो है इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और देखिए रोज जो है सोने से पहले श्रीमद्भगवद गीता पढ़ता हूँ, तो आप सब लोग भी पढ़िए, एक एक श्लोक का शुरुआत कीजिए और आपके जो मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे और प्रश्न के उत्तर जो है इसी भगवद्गीता में आपको मिलेंगे। क्योंकि जिस तरह अर्जुन जो है चिंतित था, विचलित था, परेशान था, कन्फ्यूज था, उसी तरह हम सब भी हैं, तो हमारे प्रश्नों के उत्तर जो है श्रीमद्भगवद्गीता में ज़रूर मिलेंगे। तो आप लोग पढ़िए रोज़ एक श्लोक का, जैसे आपको समय मिलता है तो मैं भी पढ़ता हूँ। तो बस बहुत अच्छा लगा, तो आप सब लोग जो है इस ब्लॉग को अच्छे से देखिए, एंजॉय कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हरी बोल हरी।